ख्याल से बना रहे इसको, है ना। पांडे जी का निधन हो जाता है उसपे, और जैसे सरकार की खिंचाई हो रही है, खिंचाता नहीं हो रही है, उस पर किस तरीके देख रहे हैं आप इस मामले, पूरे मामले की बात। देखिए ये कल जो प्रकाश पांडे हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने जो आत्महत्या की है, ये प्रदेश के लिए बड़ा दुख का मामला है, दुखद घटना है, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी का असर निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर, और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और प्रदेश सरकार को ट्रांसपोर्टर उत्तराखंड में, पर्वतीय प्रदेश में जो विशेष रूप से व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनकी आर्थिकी पर ध्यान दे करके उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि हमारा व्यवसाय लोगों को की जरूरत की चीजें उनको मुहैया होती रही। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से इस घटना से ये साबित होता है कि सरकार और सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से विफल रहा है, और हमसे सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह की घटनाएं न घटे, इस पर सरकार अपना नजर स्पष्ट करे। कैप्टन साहब, आपको लगता है जीएसटी को लेकर मामला का पीछे दबा के बैठे हुए हैं, उसको आप उभरने पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये तो हिटलर शाही देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही है, और मैं समझता हूँ कि अब ये धीरे धीरे जो इनकी जो डबल इंजन की जो जादू था, और इनके जुमलों का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अब इनके पास कुछ नहीं रह गया है। ये सरकार खाली एक नामांतर की सरकार है, जनता दुखी है, जनता की आवश्यकताएं उनकी पूरी पूर्ति नहीं हो रही है, और जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है।